people don't understand कि वो चीज़ आपने बना ली है लेकिन नहीं now it needs to fit into the damn square of Instagram now it needs to go on that banner orientation now it needs to go for print now for फलाना cinema उसकी ये flex की और हर दफे ना सिर्फ resolution but उसकी colors वगैरह उसकी saturation हर deliverable to deliverable फर्क होती थी Continuing with the podcast series, Kamli ki kahani, I have with me today Kaval Khusat. Hello, Kaval Khusat. Hello, sir, Mat Khusat. I think it's a very awkward situation to just, you know, be formal with your own sibling. But well, let's just be professional. And so, Miss Producer, sabse pehle wohi, a quick recap of what did you do, what did you study, why did you come into films? Don't take too long. You can take as long as you want. I always wanted to do films as an actor though. As an actor, yes. Yeah. Kuch khwab hai jo mar gaye. Thodi thodi se hain zinda. Abhi bhi ho sakte hain. Abhi bhi ho sakte hain. So, but you went to NCA. I went to NCA studying communication design. NCA ke liye wait bhi kiya. NCA ke liye I waited, haan. Kyunki mera NCA mein admission nahi hua tha pehle saal. और पंजाब यूनिवर्सिटी में हो गया था और फिर तुमने ज्वाइन नहीं की थी मैंने नहीं की थी मुझे मेरे घर वालों को पता था कि वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी शुरू कर दी तो उन्होंने कहने लगे रहो मुन्ना भाई अब तुम लगे रहो और मुझे जब मैं कनेक्ट में थी तो मैंने ये जरूर मार्क कर लिया था कि मैंने आर्किटेक्चर पढ़ना है और मैंने एनसीए से पढ़ना है और उसके लिए ये हुआ था कि मैंने मैट्रिक में मैथ्स में बड़े अच्छे मार्क्स आए थे और फिर मुझे बहुत डिस्करेज किया गया था कि मैं अपने एफ ए में मैथ नहीं पढ़ूँ क्योंकि उसके लिए ट्यूशन वगैरह चाहिए होती है और हमारे घर में जनरली ट्यूशन पढ़ना डिस्करेज किया जाता था एंड ऑल दैट हम गरीब भी थे पैसे भी कम थे हमारे पास और इसके अलावा ज्यादा पैसे जो है वो जो बॉयज एचएसएन पढ़े थे उनकी फीसों में चले जाते थे हाँ सो मल्टीपल रीजंस तो वो खैर आर्किटेक्चर से मैंने जब गियर शिफ्ट किया था तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा पहला जो है ना साल जिसमें मैंने टेक्सटाइल्स में अप्लाई किया था मेरा साल एडमिशन नहीं हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स में हो गया दोनों ही वो चॉइसेस थी विच आई वाज क्वाइट अनश्योर अबाउट बट आई न्यू दैट आई वांटेड टू गो इनटू आर्ट्स तब तक मैं ये नहीं बताता बट दैट वन ईयर बिकेम सो फॉर्चुनेट फॉर मी एंड एक्चुअली सईद साहब की क्लासेस भी मैंने ली आर एम नईम के साथ में भी ड्राइंग क्लासेस ली एंड देन अगैन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मेरे लिए डायरेक्टिव जो एक बन गई थी एक जो चीज़ वो मेरा एक्सपीरियंस था ओवर टेकिंग दैट वन फिल्म मेकिंग वर्कशॉप एट एनसीए फरियाल के साथ उनके साथ में और वो ये बड़ी मज़ेदार बात लगती है क्योंकि मैंने कहा मैंने वो करनी है अम्मी थी उस साल और अम्मी को हमेशा जैसे डैडी की बातों में आ जाती थी डैडी ने कहा तू है नुमना कर तो अम्मी कहती हैं अम्मी से बोला नहीं जा रहा और अम्मी कह रही हैं ओवर माई डेड बॉडी अम्मी यू स्टे आउट ऑफ इट और मुझे तब हुआ कि कितनी आसानी से उन्होंने गैंग अप कर लिया मैं ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहता हूँ कि लाइव टीवी के ज़माने में हमारी अम्मी ने एक्टिंग भी की हुई है ड्रामों में हमारी अम्मी रेडियो के ऊपर अनाउंसर थी आर्टिस्ट थी हमारी अम्मी पीटीवी के ऊपर पंजाबी की खबरें पढ़ती थी इंग्लिश की भी खबरें और हमारी अम्मी शदीद ग्लैमरस ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन वेन के ऊपर मतलब तैयारी क्यूट टैक्स मुझे बहुत बड़ा लगा था मुझे नहीं पता था कि नेल पॉलिश नाम होता है क्योंकि वो हमेशा क्यूटेक्स कहती होती थी ना तो नेल पॉलिश मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट सो अच्छा आई डिडंट नो अ लॉट ऑफ दी स्टोरीज वही होता है आप एक ही घर में रह रहे होते हैं लेकिन आई थिंक वो टीनेज तो वैसे ही सिब्लिंग्स जस्ट हेट ईच अदर एंड दे डोंट वांट टू नो अबाउट ईच अदरस प्रॉब्लम्स सो हां ऑल्दो यू वर द वन हु पेड फॉर दैट फी हु पेड माय फी फॉर दैट वर्कशॉप क्योंकि हाँ डैडी ने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं ये तो नहीं होता क्योंकि मुझे पता मेरी जो एनसीए की पूरे सेमेस्टर की जो फी थी ना वो जो वर्कशॉप की फी थी वो एनसीए की पूरे सेमेस्टर की फी से ज़्यादा थी तो वो और वो 10 दिनों का अच्छा फास्ट फॉरवर्ड अ लिटिल बिट एंड देन यू डिड ग्राफिक डिज़ाइन आई डिड कम्युनिकेशन डिज़ाइन इट वाज एसेंशियली ग्राफिक डिज़ाइन और जब मैं अपने लास्ट ईयर में थीसिस ईयर में थी तो मैंने दफ्तर आना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज एक दो बनाई थी जो कॉलेज का ही कोर्स था एंड आई वुड कम टू द ऑफिस टू टेक हेल्प उनकी एडिट वगैरह के हवाले से एंड यू हैड सबमिटेड वन टेलीफिल्म टू कारा फिल्म फेस्टिवल एंड यू आस्क मी टू सबटाइटल इट फॉर यू कुछ ऐसे ऐसी और जॉब्स मैंने स्टार्ट कर दी थी करना और देन आई मैरिड माई सेल्फ ऑफ To make sure my that you need space to work on your exactly art.
wanted to get out of. So 2005 से मैंने ऐसे odd jobs के साथ में शुरू करके बस eventually फिर काम शुरू कर दिया था. I was never allowed to be in front of the camera, and that I thought that was a good bargain. At least चलो I will set my foot in the door, and then I'll see wherever I land up. But you assisted me उसपे पिया नाम का दिया पे, that was your first role. Then you continued to direct TV और अपना theatre, and then लिखा produce production design की और लिखती होती थी और direct करती थी. Producing जब तक मैंने अपना theatre नहीं start किया तब तक मैं नहीं. So Olo basically. Olo, this was 2013. 13, that's when I came back from Karachi. ठीक है, Olo तो खैर जी एक और journey है, उसके ऊपर हम बात करते करते मैं खाली बहुत साल लग जाएंगे हमें. But what a remarkable journey. I mean, I am proud as a fellow artist and a brother, both of what you've done with Olo Mopolo. Now, we come to Kusat Films. Is a tiny little thing that I wanted to, just make it. And the first film, Zindagi Tamasha, that was your first film as a producer. My first film as a producer, I mean, we don't want to talk about it, but प्रोड्यूसर मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि जॉब मेरे लिए इतनी ज्यादा थी डायरेक्ट करना वो करना. व्हाट डज अ फिल्म प्रोड्यूसर डू लाइक एंड व्हाट डिड यू डू ऑन जिंदगी तमाशा. इफ यू डिड अ लॉट जिंदगी तमाशा. हां, पीपल टू नो के जिंदगी तमाशा अगेन बहुत सारे लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि प्रोड्यूसर जो होता है वो होता है जो फिल्म पे पैसे इन्वेस्ट करता है. सेठ जो होता है. हाँ, जो सेठ साहब होते हैं. और एक रुपया तो मैंने किसी फिल्म में नहीं कभी लगाया. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफी लगा है, बताए नहीं. एक तो मजे की बात यह है कि तुम्हारी हर फिल्म के ऊपर में ना मेरा फोन चोरी फोन चोरी हो जाता है. क्या मतलब है इस बात का? जिंदगी तमाशा पे एक फोन चोरी हुआ और जॉयलैंड पे गोमो गया, कमली पे जॉयलैंड मेरी को प्रोडक्शन थी इसकी. मैं ख्याल है सर में जब करीब करीब भी होता किसी फिल्म के तो मेरा फोन चोरी हो जाता. लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट टू शो हाउ रिस्पांसिबल यू आर विद थिंग्स व्हेन या मेरा फोन चोरी हुआ. वो ये मेरा मेटाफर होता है, जैसे लोग खून देते हैं प्रोजेक्ट को वैसे मैं फोन देती हूं प्रोजेक्ट को सर में. मतलब फोन टूट गया मैं एक बिल्कुल बिलावे से. और मेरा कुछ लाखों टाइप का फोन होता है तो वो बस ऐसे सबका सा निकल जाता है. सो इन एनी केस सबको के बगैर भी सबके देने के अलावा असली सबका भी हम दे सकते हैं. हां, सो अगेन पैसे लगाने के अलावा देयर वाज अ लॉट टू डू ऑफ कोर्स. सो मतलब फाइनेंसर में, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर में, को प्रोड्यूसर में, एसोसिएट प्रोड्यूसर में फर्क होता है, जो कि हम एक लंबी डिबेट है. बट लोगों के लिए कि प्रोड्यूसर बिल्कुल वैसी ही जॉब है जैसे आप डायरेक्टर हायर करते हैं या राइटर हायर करते हैं या एक इट्स अ प्रॉपर स्पेशलाइज्ड जॉब. किसी भी प्रोडक्शन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजाइन करने के लिए. और आप बहुत दफ़ा लोग ऐसे थोड़ा रिडक्टिव लगता है मुझे जब वो कहते हैं कि प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए आप एक प्रोड्यूसर होता है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैनेजिंग द प्रोडक्शन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिजाइनिंग द प्रोडक्शन टीम. दैट बिगिंस विद डिजाइनिंग द प्रोडक्शन एंड देन द प्रोडक्शन फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन ऑल्सो एंड देन ओवरसीइंग अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज बिहाइंड द सीन एज वेल एंड दैट continues through the post production of the film as well. Or also at the same time it's not just a job which is about ki logistics aapne theek karne, it's a job which requires creative input and creative contribution. It's a very contrived, I would say, a mix of management skills and creative skills. Jisme se most of the times I must admit that it is the management skills that get the better of your attention. Right. Of course hota hai, but it is mainly about designing the production setup. How is it going to flow? Who all are going to be on the team? Workflow vagaira vagaira, and then eventually seeing to the vision of the project, in totality as well. वो फिर ऑफ कोर्स पोस्ट के बाद में एग्जीबिशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में भी उतना ही प्रमोशन वगैरह मार्केटिंग हाउ टू शो इट एट व्हाट फेस्टिवल्स व्हाट मार्केट्स. या चलो जिंदगी तमाशा तो इन कंपैरिजन टू कमली वाज स्टिल क्वाइट इंडी. इट वाज इन टर्म्स ऑफ सिक कॉम्पैक्टनेस, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डेज ऑफ शूटिंग. मतलब उसकी डेफिनेटली बहुत सी मतलब उस तरह का प्रेप वर्क तो कुसत फिल्म्स में मैं, सुंदर और अहमद तीन लोग होते थे. हम कर रहे थे, वी एक्चुअली रोप्ड यू इन लाइक अबाउट 2 मंथ्स बिफोर द फिल्म. 2 मंथ्स बिफोर द फिल्म आई वाज बिजी ऑन अदर प्रोजेक्ट्स एंड देन आई वाज एक्चुअली वन ऑफ यू नो मतलब इट वाज मोस्टली लाइक केचप एग्जीक्यूशन के बैक में. बट वो कॉम्पैक्ट था एंड इट वाज ऑल रियल लोकेशंस आउटडोर्स लाहौर. सो थोड़ा सिमटा हुआ था. एग्जैक्टली. नाउ वी गो टू कमली. सो एज अ प्रोड्यूसर व्हेन से एंड यू न्यू यू हैड टू प्रोड्यूस कमली आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ मी आस्किंग यू टू डू इट. First thoughts,
like as a script, as a story, what we're trying to say through Kamli, what was your connect, what was your initial vocab? बहुत सारी चीज़ें और जिसमें से आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा पहला जो ड्राइव थी टू टेक दिस प्रोजेक्ट अप वाज कि जो जो कोताहियाँ कमियाँ मेरे से रह गई हैं जिंदगी तमाशा के वक्त में, बिकॉज आई वाज लर्निंग प्रोड्यूसिंग आल्सो यू नो फॉर्मली फिल्म के ऊपर, मतलब अपने थिएटर के प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करना वाज वन थिंग, बट यू नो एक फीचर लेंथ फिल्म को प्रोड्यूस करना और एंड वॉट ऑल डज इट इंटेल, कि यहाँ से लेके वहाँ से लेके बहुत सारे कामों का मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये प्रोड्यूसर के एम्बिट में ही आते हैं, अच्छा ये वो मुझे लगा कि फलां करेगा, ये लाइन प्रोड्यूसर का जॉब है, फलाने का बट इट ऑल बॉइल डाउन टू नो दे विल हैव टू बी अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ए फॉर डिजाइनिंग एंड देन फॉर द स्मूथ ऑपरेशन. सो वो जो था मेरी पहली ड्राइव जो होती है वो यही थी उसके, एटलीस्ट कंपनी के लिए तो यही थी कि मैंने जो चीज़ें नहीं कर पाई और जो सही नहीं कर पाई जिंदगी तमाशा में मुझे कम लिमिट करनी है, उनको ठीक करना है, उनको उनके ऊपर मैं इम्प्रूव करना है. एंड देन द अदर थिंग वाज कि मुझे ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगा कि प्रोड्यूसिंग जो है वाज नॉट समथिंग दैट, मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ इफ़ दैट्स द ओनली थिंग आई एम डूइंग ऑन अ प्रोजेक्ट. मुझे नहीं समझ में आता कि इफ आई एम मोर ऑफ एन आर्टिस्ट और मोर ऑफ लेट्स से कि मैं मैनेजमेंट अच्छी डिज़ाइन कर सकती हूँ या कैसे वो कर सकती हूँ. एंड आई कीप यूजिंग द वर्ड डिज़ाइन बिकॉज आई टू मी एवरीथिंग इज अबाउट यू नो कमिंग अप अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज अ डिज़ाइन. अच्छा सो वो एंड देन आई हैड आस्क्ड यू के इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन या अगर वो अगर कोई सी और से नहीं बोला है या और फिर वही वो जो अगेन इरम माजिदीन के साथ में मैं रेगुलर काम करती हूँ, बहुत सारी प्रोडक्शंस और भी मैंने उनके साथ में ही की हुई हैं डिज़ाइन वाइज. सो मेरा दूसरा इंटरेस्ट ये था कि इफ़ आई एम गिवन द प्रोडक्शन डिज़ाइन ऑल्सो सो बस फिर मेरे लिए दिस इज गोइंग टू बी अ जॉय राइड. ऑफकोर्स ये सारा कुछ इसीलिए था कि बहुत सारे रीजन्स में से, मतलब जो कास्ट कुछ ऐसी थी जिनके साथ में ऑफकोर्स मैं हमेशा काम करना चाहती हूँ, वो लोग इन्वॉल्व थे स्टोरी और जो उस गोनरा जो जो आइडियली जो उसके लिए डिज़ाइन किया गया था या सोचा गया था मैजिक रियलिज्म वो मेरे लिए बहुत पुल रखता है, तो वो मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट जॉनरा है. सो एनीथिंग अबाउट दैट मुझे बिल्कुल बोले कि मतलब टीवी ड्रामा बनाना है और वो कमर्शियल तरीन हुए दुनिया का, कमर्शियल से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा रन ऑफ द मिल हुए लेकिन उसका जॉनरा मैजिक रियलिज्म है, आई विल गो डू इट एनी डे. अच्छा कैन यू सॉर्ट ऑफ से फॉर अ थर्ड ग्रेडर व्हाट इज मैजिक और मैजिकल रियलिज्म, लाइक आई मीन व्हाट इज दैट जॉनरा लाइक, क्योंकि जब हमने शुरू में डिसाइड किया कि हम इसकी PR कैंपेन डिज़ाइन करेंगे, सो वी केम अप विद द लिस्ट ऑफ थिंग्स विच वी विल टॉक अबाउट एंड वी न्यू इन द हार्ट ऑफ आवर हार्ट्स एंड नॉट इन द हार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑल्सो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मैजिक. इज इट मैजिक और मैजिकल? बोथ, मैजिकल रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म. बट हम लोगों को ये, हम इसको इस तरह सेल नहीं करेंगे बिकॉज वो क्या, वो शुरू में एक आ जाएगा जब हमने बोला तो पीपल थॉट जादू है और मैजिक से वो. वॉट इज मैजिकल रियलिज्म? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वी आर डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ सरियलिस्टिक एंड समटाइम्स सुपर नेचुरल एलिमेंट्स फॉर द रिजॉल्व ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टोरी हाइपर रियल, सो एनीथिंग दैट्स बियॉन्ड द रियल, उसमें एक जो एक उसकी जो बहुत बुकिश एक डेफिनेशन है ना वो ये है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट की रिजॉल्व है दैट हैज टू बी ब्रॉट अबाउट बाय मैजिक रियलिज्म और बाय मैजिक एंड एट द फोर्स. It's not exactly. It's not essentially an evident cause and effect. Exactly. Right, so right. वो again genres की definition एक होती है, उनकी redefinition भी की जा सकती है, उनके ऊपर में expand भी किया जा सकता है, so on and so forth. For me, this film is still magic realism. And I don't want to मतलब we sound too academic or too you know self obsessed कि मैं अपनी काम के बारे में इतनी बातें करूं, but I do feel कि Kamli is also quite a you know a genre bender. It is. Because, you know, we don't know, like, कोई मुझसे पूछता है, मैंने कहा कि नहीं, हम भी कहीं फंस नहीं रहे थे. Like, honestly, मुझे नहीं पता था एडिट और पोस्ट प्रोडक्शन का, खासतौर पर जब साउंड का काम हुआ तो द लास्ट 20 मिनट्स हैव बिकम लाइक अ वेरी वियर्ड थ्रिलर. मतलब जो एक फीडबैक आ रहा होता है कि यू नो मतलब वही एक कॉमन जो रिकरिंग फीडबैक है कि इट्स एन एज ऑफ द सीट थिंग एंड आई वाज लाइक ओके श्योर एंड And then when I recall, I was like, yeah, there's running and there's fire and then there's like, you know, what will happen? Who will, you know, escape karna hai, wapas, all of that. So that was your initial woe. Now, as a producer, like, did you say have
some key words, or like say, when you were thinking of your approach, did you tell yourself like something, these three things I really need to make sure are going to happen to contain the monster that it could have become? It was still a monster, a beautiful monster, I would say, but... क्या था वो दो कुलिए क्या थे दो तीन को एज अ प्रोडक्शन डिजाइनर एक बिल्कुल फर्क सेट व्हिच इज अनदर कन्वर्सेशन जो हम इसके ऊपर फर्क बिल्कुल फैकल्टीज वर एट एप्लीकेशन एज अ प्रोड्यूसर एक बिल्कुल फर्क किस्म की यू नो द अदर साइड ऑफ द यू नो द ब्रेन वाज पुट इनटू यूज जो कि आई देन अगेन एडमिट कुछ इस किस्म में चैलेंजेस थे इस वाली प्रोजेक्ट के साथ में जो कि मुझे लग रहा था कि अबाउट टाइम दैट आई मस्ट नाउ कन्फ्रंट देम पर्सनल भी थे मुझे पहाड़ों से नफरत है मैं इससे सीधा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे कम का सेंटिमेंट नहीं है मेरे पास में उसका मुझे वो अजीब तरीके से डिप्रेस करते हैं क्योंकि मेरी एक अजीब सी ना एक एसोसिएशन बन चुकी हुई है पहाड़ों के साथ में मेरा पहला एक्सपीरियंस तो कभी पहाड़ों में हम लोग बचपन में तो नहीं गए थे एक ही दफ़ा गए थे जब तुम और हिना नहीं गए थे और मैं गई थी और जब हिना ने मेरा ख्याल मैट्रिक किया था या पता नहीं मैंने किया था हम गए थे अपनी फैमिली के साथ में और तुम और हिना स्टेट बैक विद पुपो मीना उपो और मैं गई थी इतना बुढ़ा तो मैं नहीं हुआ कि मुझे चीजें भूलने लगे तुम लोग पहाड़ों में गए थे हमारे हाँ मैं और इमरान गए थे और डैडी और बाकी की फैमिली और वो एक्सपीरियंस है जैसे मुझे फॉर लाइफ स्कार कर दिया है अच्छा आई हैव नाउ मुझे वो फजी सी चीज वो हो रही है फोकस में आ रही है सो मुझे तब से बस पहाड़ों से नफरत हो चुकी है गॉट इट अच्छा सो एक तो ये था कि ये सारा का सारा अपर पंजाब में होने वाला है जो कि हिली टेरेन है एक बात बट नॉट एज हिली एज मेरे लिए दिस वाज इनफ टू पुट मी ऑफ एज अ पर्सन एंड टू लेट्स से मुझे हल्का फुल्का सा हाइट फोबिया भी मैंने एंटरटेन किया हुआ अपनी लाइफ के अंदर में वो अंडू करने की कोशिश की सो अगेन एक तो पर्सनल चैलेंजेस थे कि मुझे जो है एक प्रोडक्शन जिसकी आउट एंड आउट हमारा तीन दिनों के अलावा बाकी का सारा स्पेल इज गोइंग टू बी इन दैट एरिया और वही हाइकिंग होएंगी वो ट्रैकिंग होएंगी सारा कुछ वैसे का वैसे होने वाला है वो करना है दूसरा मैंने कभी इतनी बड़ी एंड ये हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी मतलब आई मीन आई डोंट नो जब शुरू में जब हमने शुरू किया मैंने कहा 40-45 लोग हों देन आई थॉट अच्छा इसको थोड़ा हम बम्प अप करते हैं तो यू नो आप इसको 60 कर लें बट इवेंचुअली इट वाज लाइक 150 आई टेल यू बिकॉज़ यू नो आई वुड मेंटेन दैट अटेंडेंस रजिस्टर कड़वन पड़ना शुरू हो जाते हैं पेट में कि मतलब सो मेनी पीपल वर देयर वो मजे की बात ये थी कि एवरी टाइम यू विल टेल मी कि 40 से बड़ा क्रू नहीं करना और आई वुड काउंट तो 20 तो सिर्फ ड्राइवर ही हैं इसके अंदर में तो मैंने सोचा कि तुम ऑटोमेटिक गाड़ियां ढूंढे रोबोट वाली नेक्स्ट एग्जैक्टली सो वो खुद ही जाए उसमें स्पीड ये पेट डायरेक्टर वगैरह को घर पे बिठाते हैं हम तो ड्राइवर और हमारे रनर्स और हमारे पोर्टर्स ही मिलाकर के 40 के करीब लोग हो चुके हैं सो फिर हम चले जाते हैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट्स व्हाई यू नीड अ प्रोड्यूसर टू कम इन tell you that you're not being realistic yeah aur phir itni kyunki elaborate production thi to maine kuch aise bhi kaam explore kiya and you know since we were planning months in advance to wo ek mazedar baat ye thi ki when we went for our first recce to humne is tarah ki bhi ki ki humne locations ko pin kiya उनको बुक मार्क किया और फिर हमने डिस्टेंसेस काउंट किए और फिर हमने उनके हिसाब से पर आवर फ्यूल की कंजम्पशन काउंट की और जो एस्टिमेट जिस जो तुमने मुझे पहले पकड़ाया कि यू नो दिस इज द ब्रॉडर स्ट्रक्चर इन योर माइंड एंड देन यू नो आई हैड टू कम अप विद द रियलिस्टिक एस्टिमेट अगेंस्ट इट वी केम टू नो दैट देयर वाज लेट्स से बिग डिस्पैरिटी एंड दैट वी ओनली केम टू नो व्हेन वी वेंट फॉर आवर फर्स्ट ट्रैक एंड देन वी काउंटेड ऑल दीस थिंग्स एंड देन यू नो क्या होएगा हम एक मजेदार बात यह है कि वहाँ पे जहाँ पे हमारे दो तीन गेस्ट हाउसेज थे फिर आगे वो दो तीन होटल्स हैं जहाँ पे हमने सब अपने क्रू को ठहराया हुआ था उस दोनों के दरमियान में एक दुकान थी जहाँ से नाश्ते का सामान क्योंकि हर चीज़ लाहौर से नहीं जा सकती थी देयर वाज अ लॉट दैट वी टुक फ्रॉम लाहौर देयर तो वो एक बंदा जो है वो मुझे आमिर भाई बता रहे थे कि वो बंदा कहता है कि मैं उसने देखा कि हमने कितने 100 दर्जन अंडे आज फिर खरीद लिए हैं वहाँ से तो वो गालियाँ निकालने पे खड़ा हो गया और उसने कहा मैं चौथी बारी आए हैं अंडे खरीदने तो ये मनहूस गंदी सी गाली निकाल के ऐ सारे अंडे ले जाते थे इतने सारे अल्लाह माफ करे गंदी बात लेकर अब हमारे मुंह गए हुए हैं वहां पे तो हम खाना तो खाएंगे ना हमें अंडा चाहिए सॉरी भाई आप जो भी थे माजरत के साथ लेकिन अब क्या करें हमें भी पेट लगा हुआ है तो आपके सारे अंडे मुकाने के लिए वेरी सॉरी सो थिंकिंग के लाहौर से कितना कुछ जा सकता है एंड बिलीव मी कि हम ना प्याज टमाटर अदरक धनिया टाइप क्या लहसुन अदरक टाइप वाली चीजों का ट्रक लेके गए थे जिसमें किचन का सामान और चूल्हा और फ्यूल वगैरह ये सारी चीज़ें थी सो थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स टू एंड देन सिंस वी न्यू कि हम अपनी
लेट्स से लाहौर से दूर होने वाले हैं और ये हिली एरिया है जहाँ का वेदर जो है वो अनप्रडिक्टेबल होता है. वही अगेन वी हैड टू प्रिपेयर फॉर द बैड डेज फर्स्ट कि एनी गुड डे तो हमको ये स्टैंडर्ड किट हमारी चाहिए है. तीन सेटअप्स थे जो डिज़ाइन होने थे. एक सेटअप था जहाँ पे एवरीवन वाज गोइंग टू बी पुट अप गेस्ट हाउसेज, मजदूरों वाले होटल्स, ट्रक ड्राइवर्स वाले होटल्स, जो जो जहाँ जहाँ कमरा पॉसिबली हमको मिल सकता था एंड वी कुड यू नो गेट एक्सेस टू इट, TDCPs इंक्लूडेड, उनको हमने क्या करना है. सो एक सेटअप वाज दैट एंड मेंटेनिंग दैट, और जिसके अंदर में खाना और अंदर की टेम्परेचर्स कंट्रोल करने से लेकर के बेडिंग से लेकर के खाना पीना वगैरह वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. वो सारे पहले जाके हमने जा करके पहले सेटअप करने होते थे, डिज़ाइन करने, उनको एक सिस्टम बना करके करना होता था. और फिर हर जगह पे कौन कौन, एक टी बॉय मिल सकता है, किचन का स्टाफ मिल सकता है, और कमरों की प्लेसमेंट, क्योंकि फिर भी हमारे जितनी हमको चाहिए थे उससे लेट्स से हमको 1/3, 2/3 कमरे कम मिले थे. सो फिर अ लॉट ऑफ पीपल हैड टू शेयर रूम्स एंड देन यू नो मेकिंग मैचेस, कौन किसके साथ में रुक सकता है, इज इट गोइंग टू बी डिपार्टमेंट वाइज, इज इट गोइंग टू बी लेट्स से दो, कौन से दो लोग कैन गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, हु इज अ स्मोकर, हु इज अ नॉन स्मोकर टाइप वाली कंसिडरेशन थी. कमियाँ रह गई, कोताहियाँ हो गई, लेकिन वो ये कि वो था. दूसरा सेटअप होता था प्रोडक्शन का सेटअप, जिस पे हमको ये होता था कि हमारे जो गजीबोस हैं, जो हमारे कैंप्स हैं, वो एक्चुअल सेट से कितनी दूर हों, सिंस यू नो मोस्ट ऑफ द शूटिंग इन द फर्स्ट बेड वॉज आउटडोर्स, सो जिसमें भी आपको पर्सपेक्टिव में दूर तक डीप फोकस में नजर आ रहा है, कभी ड्रोन कैम्स हैं, कभी योर कैमरा इज ऑन अ स्टेडी कैम और व्हाटएवर, यू नो दे वुड, सो उसकी प्रॉक्सिमिटी की कैलकुलेशन सेट टू सेट हमेशा फर्क होती थी. और पहले वाले स्पेल के अंदर में दो दिन से बड़ा कोई सेट नहीं था, तीन दिन से बड़ा कोई सेट नहीं था, दो दिन मैक्स, एंड देन वी हैड टू रिलोकेट. एंड देन हमने एक सेंट्रल वो कन्हट्टी गार्डन्स के अंदर में पार्किंग के अंदर में हमने बोला कि ये हमारा बेस स्टेशन होने वाला है, यहाँ से हम सारी चीजें लेकर के जाया करेंगे. एंड देन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑल्सो, वो बड़ी एक मज़ेदार बात होती थी कि हर दफ़ा अप्रॉक्सीमेटी जो है वो उसको कैलकुलेट करके, ऑफकोर्स पहले से प्लान भी थी बट लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन वाज आल्सो बीइंग मेड यू नो वहाँ के ऊपर में. सो अच्छा, वहाँ पे किचन और मेकअप एक दो क्वेश्चनेबल चीज़ें होती थी कि क्या ये प्रोडक्शन सेटअप के साथ में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, बिकॉज अगेन चाय जानी है सेट पर, वो कितना देर की जाएगी कि वो ठंडी नहीं हो जाए, और वो किस चीज़ों में जा रही है, और सपोज आपको ट्रैक करके जाना है, नीचे आना है, वो क्या नीचे होगा. सो वो एक फिर भी एक क्वेश्चनेबल बात होती थी. दूसरा अगेन मेकअप, कि मेकअप आप कितना हैंडी सेटअप अपने साथ ऑन सेट रखने वाले हैं, कितना आपका बड़ा इलैबोरेट सेटअप जिसके ऊपर में आपका हेयर ड्रायर चलना है, जिसके लिए एक फर्क जनरेटर होता था बिकॉज द अदर जनरेटर वुडंट सपोर्ट इट, ऑल्दो वी हैड टेकन आवर सोलर पैनल सिस्टम्स एज वेल, कि सोलर पैनल के ऊपर पोर्टेबल एग्जैक्टली फोन्स के थे, टॉयलेट्स थे, वो सारे सोलर पैनल के ऊपर में चलते होते थे. एंड देन विद इन द प्रोडक्शन सेटअप वॉज द पोर्टेबल टॉयलेट्स का सेट, वो दो हैं मेल फीमेल करने हैं. एंड देन पानी, पानी वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता कि आपने टॉयलेट लगा दिया और अब वहाँ से आपको पानी मिल रहा है, या आपके पास में वो पानी की ट्रक आ गई है, ट्रॉली आ गई है, तो उसको लगा दो. द पानी हैड टू बी फेच्ड फ्रॉम समटाइम्स दीज पॉन्ड्स एंड दीज लेक्स, और वो फिर उनको एक बंदा लगाया जाता था कि जिसकी अपनी अगर ट्रॉली नहीं है तो वो ट्रॉली लेगा, ट्रॉली वाला एक बंदा होता था, पानी उनमें भरने वाला दूसरा होता था, और वो ला करके सूरज का भी फिर डिस्पोज कैसे करना है उसको. एग्जैक्टली, वो फिर वो हमारे जो टॉयलेट सेटअप्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे दो लोग, वो उन्हीं की जॉब होती थी. तो restroom. तो वो वहाँ पे होता था और खुशी खुशी वो दरवाजा खोलता था मुझे, मैंने कहा कभी जिंदगी में किसी को मेरे बात समझाने पे इतनी खुशी नहीं होती जितनी शफीक को होती है. सेंस ऑफ प्राइड थी कि भाई जाएंगे ये खुश भी होगा, ये साफ भी होगा, सर जी हमने साफ किया, विकॉप एयर फ्रेशनर भी लगा के, और वो सीट पे टिश्यू पेपर भी लगा हुआ होगा, और उसके अंदर में हैंड वॉश भी पड़ा हुआ. लेकिन उस बाथरूम की सबसे वियर्ड स्टोरी मुझे याद है कि उसकी छत जब एक दफा डैमेज हो गई थी तो तुम लोगों ने रिसाइकिल किया था कुछ, वो ये जो विनबोर्ड और ये जो, तो एक दिन मैं बाथरूम में रात के वक्त गया हूँ, विनबोर्ड था झांझर के पोस्टर का, तो मैंने नीचे बैठा हूँ, मैंने ऊपर देखा अच्छा, तो विनबोर्ड नहीं फ्लेक्स मेरी शक्ल, मैं कह रहा हूँ ये ऊपर से कौन आदमी मुझे देख रहा है, इतना बड़ा मुंह, और फिर मैंने नोट किया हूँ मैं हूँ, और तुम लोगों ने मेरी फ्लेक्स उठा के बाथरूम में लगा दी. वो और उसका मैं बताता हूँ कि उस दिन सलूशन था, कुछ चीजें जो मैं वहां करने के लिए गया था वो मेरे इख्तियार में नहीं थी, वो बेइख्तियार हो गया जो मैं करना चाहता था, क्योंकि मैं दो सेकंड के लिए फ्रीज कर गया कि ऊपर से कोई मुझे देख रहा है और ये मेरे जैसी शक्ल है इसकी.
वाओ, आई मीन कुछ चीजों के लिए मैं ये अच्छा, ये जो बाथरूम जो थे ना, ये डिजाइन किए थे, ये हमारे प्रोडक्शन में से कोई इंसान नहीं था, ये माजिद थे जो कि एक्चुअली प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट में थे, जैसे कैमरे के पीछे खड़े थे, उसको बाहर में लपड़ लगाता था। ये वो यही था कि कहाँ कहाँ से हम वेट कम कर सकते हैं। अब ये सारा, क्योंकि सामान जो है, मैं ऐसे साउंड नहीं कराना चाह रही क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम था और कोई वो ये हुआ वो हुआ, बट एक्चुअली ये इतनी मज़ेदार और इस किस्म के काम थे कि जो हमने सोचे उनको कैलकुलेट किया और फिर ये देखा कि उनकी एफिशिएंट सॉल्यूशंस क्या हैं, क्योंकि ये सारा सामान उठा करके कंधों वगैरह के ऊपर में जहाँ ट्रैकिंग इन्वॉल्व होती थी तो वो जाना होता था, तो वेट कहाँ कहाँ कम किया जा सकता है एंड ऑल दैट। टफेस्ट डे वो एक्सीडेंटली टफेस्ट हो गया था वरना वी हैड प्लान्ड द हेल आउट ऑफ एवरीथिंग। वो था एग्जैक्टली द थर्ड डे ऑफ फर्स्ट, थर्ड डे ऑफ शूट इन द फर्स्ट स्पेल। वो ये हुआ कि पहले दो दिन गुजरे, वो जब हमने नीचे बोल्डर्स में जाना था और वो छोटा सा बारिश करने के दिन, तो मेरा भी डिजास्टर है बहुत करना। वो ये हुआ कि सिंस आई वाज हेडिंग द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन डिजाइन डिपार्टमेंट्स, मैं ना ये दोनों टीम्स को बोल रही हूँ, आप लोगों में से किसी के हाथ में मैंने स्केड्यूल की बुक नहीं देखी है, किसी के पास में स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन नहीं है, एंड दे वर ऑल डिपेंडिंग ऑन मी, आई डोंट नो व्हाई। एंड मैंने उनको पहले दिन बोला कि जिस दिन मैंने गलत कुछ किया ना उस दिन आप सारे पिसेंगे, ठीक हो गया। और मैंने ऑलमोस्ट लाइक मैंने पोलाइटली कहा, वो खोलता नहीं था, शाम को बैठ के जैसी जब भी जिस वक्त शूट रैपअप होती थी ना या बीच बीच में जब हम गुफ्तगु शुरू करते थे कि कल का क्या है, सो वी वुड डिस्कसिंग। सेकंड डे हमको टाइम नहीं मिला वो, क्योंकि उस दिन हमारी टीम स्प्लिट हो गई थी फोर्थ डे की प्रेप के लिए, कि वो नूरी का घर का सेटअप होना था, माजिद वहाँ गया हुआ, एरम को किसी और सेट पर भेजा हुआ, आई वॉज मोस्टली ऑन सेट अगैन, क्योंकि वही वो काश वाला गाना गाले में शूट हो रहा था और उसका रिमेनिंग पार्ट एग्जैक्टली नहीं, माजिद सेट पर था, इरम को मैंने किसी और सेट पे भेजा हुआ था, एंड देन यू नो कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस थे। अच्छा, वो खत्म हो गया, शूट हो गया, मैंने अगले दिन का स्केड्यूल वगैरह सारा प्रेप किया हुआ, उस पर बोल्डर्स लिखे हुए, मैं बोल्डर्स बोलती थी काश वाली लोकेशन को, और बोल्डर्स उसमें तो एक्चुअली उसमें कोई लोकेशन नहीं लिखी हुई थी, और उसमें आउटडोर लिखा हुआ था ना फर्स्ट वाले में आउटडोर, आउटडोर वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर में वी जस्ट थॉट यू नो फ्रॉम द डायरेक्शन डिपार्टमेंट के हमारी कम्युनिकेशन है। अच्छा, तो सुंदर से किसी वक्त बात हुई तो बोल्डर्स का नाम आया ना, तो आई न्यू कि दिस वाज दिस, मैंने कहा यार ये तो सेम लोकेशन है। तो सुबह मैंने आके उस थर्ड डे पे मैंने कहा वो पार्किंग की जो पूरी सड़क है ना, वो दो इतनी इतनी से झाड़ू, मैंने कहा आज इसकी सफाई करते हैं, आज हमारे पास में टाइम है, आज हमने मेजर सेटअप नहीं शिफ्ट करना है, और इनमें से किसी ने नहीं पढ़ा। एंड केम द टाइम दैट व्हेन यू एंड यू नो योर एडीज केम, और तुम लोग आते के साथ ही उस तरफ जा रहे हो, मैं देख लूँ किधर जा रहे हो यार, ये क्या हो गया ये। And I came to know, वो नीचे इतनी वो 45 मिनट की वॉक और वो जो 15 मिनट की ट्रैक, और वहां पे जाकर के नीचे बोल्डर्स, वो लेक वाले बोल्डर्स पे जा रहे हैं, और फिर जो हमारे साथ में तमाशा, I don't know, मुझे वही कुछ चीजें, मैं ख्याल है मैंने convenient amnesia भी कर लिया खुद को, I don't know if I was aware of that. पता नहीं क्योंकि you left, you were the first one to leave for that was the only day जहाँ पे हमें ये था कि वहाँ पे हमारा थोड़ी देर का काम है, तो वहाँ पोर्टेबल लू नहीं लगाएंगे, और ये कोई मेरी बैड लक खराब ही होती है, मैं जिस दिन ये कहता हूँ कि नहीं नहीं आज आई एम गुड, लाइक आई वोक अप ऑन टाइम एंड आई डिड एवरीथिंग दैट आई हैड टू डू, और मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ आई हैड एन इमरजेंसी लाइक आई हैव नेवर हैड इन माय लाइफ बिफोर, एंड इट वाज सुंदर्स मी फातिमा, और दैट वाज अ वेरी बैड डे फॉर मी, फॉर एवरीवन, आई मस्ट वेरी बैड डे, बिकॉज़ लेट मी टेल यू, आई वाज डाइंग एंड देन आई रियली हैड टू यू नो फाइंड अ केव टू गो एंड डू व्हाट आई हैड टू डू। और व्हाइल यू वर इन द केव हमने कहीं से ट्रैक्टर पैदा किया जिस पे जनरेटर है, और पता नहीं वो मुझे याद नहीं आ रही कौन सी इक्विपमेंट थी जो बड़ी थी, गायब नहीं था, लाइट और समथिंग, मुझे एक वहां पे वो चलती थी द चिंगची टाइप ना, नहीं नहीं चिंगची नहीं, दिस वाज कनेटी गार्डन्स गया ना, जिसमें ट्रैक्टर एक पैदा किया गया, ट्रैक्टर जाता कहां तक था, वो जाता था जब ट्रैकिंग नीचे जाएगी ना, तो उससे पहले एग्जैक्टली जहाँ पे घर, वहां तक में एक मशीन जानी थी, और वो क्योंकि मशीन जब जाने लगी तो वो मुझे ख्याल आया कि सबा को भेज दिया जाए साथ, सीन जिसमें बारिश भी होनी थी, नकली बारिश करनी थी हमें, सो कुछ इक्विपमेंट थी जो नीचे जानी थी, एंड देन वो अच्छा क्या हुआ कि वो क्योंकि छोटा जनरेटर जाना था जिसको फिर आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट, एंड यू नो समहाउ इट वाज कम्युनिकेटेड, फोन्स नहीं, नेटवर्क नहीं था वहाँ के ऊपर, मे बी कुड नॉट कम्युनिकेट, और वो हमारी वॉकीज की रेंज से बाहर हो गया हुआ था, तो वो ये था कि वो मेरे पास एक छोटा पोर्टेबल स्पीकर था जो कि फिर हम डिक्टाफोन के साथ में लगा करके वैसे प्रोजेक्ट कर रहे थे, साउंड प्रोजेक्ट कर रहे थे प्लेबैक के लिए, और वो जो मशीन जा रही थी जिसके लिए हमें ट्रैक्टर कोई 45 मिनट्स लेटर मिल गया, तो उस पर मुझे लगा सबा को बिठा देना चाहिए
सबको मैंने ट्रैक्टर पे बिठा दिया. ड्राइवर वाज द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ दैट डे. और फिर मुझे लगा कि ये गंदी मूव हो गई है कुछ, इसमें अब मैं साथ बैठ के जाऊंगी क्योंकि सभा जा रही है, मुझे कोई बंदा नहीं मिला, मैं किसके साथ सभा को भेजूं. सो फिर कोई दो जल्दी से इम्प्रूव करके दो बंदे पैदा किए कि जो सभा के साथ में इस वक्त जाएंगे. ऑफ कोर्स वी कैन नॉट लीव सभा. हालांकि सभा वाज वेरी जंगजू अबाउट कि मैं वॉक कर लूंगी, मैं भाग लूंगी, बट दिस वाज मैड ट्रैकिंग. तो वो खैर या सो वो फिर उस दिन जो है ना वही हुआ कि और सब लोग बैफल्ड के अब मतलब सारा मतलब प्रोडक्शन का सेटअप से लेकर के प्रोडक्शन डिजाइन की तमाम चीजें जो है हमारे पास में यहाँ पे पड़ी हुई एंड हैड टू बी देन ट्रांसपोर्टेड देयर. और वही होता है ना कि आपकी वर्स्ट नाइटमेयर्स. शुक्र है कि वो बहुत शुरू ही स्पेल के अंदर में, शुक्र की बात तो नहीं है बट बाहर आलो मटेरियलाइज हो गया एंड देन वी ऑल लर्न अ लेसन के नो इट कांट बी एनी वन पर्सन, वी शुड बी डिपेंडिंग ऑन वो कोई भी हो. सबको अपनी अपनी बुक्स जो है वो खुद मेंटेन करनी पड़ेंगी. सम इम्प्रोवाइजेशंस ऑफ कोर्स यू नो वो होती हैं, वो करनी होती हैं. वो साथ साथ चली. और ये वो जगह है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी दिन बात करते थे ना कि यार यहाँ पे इन लोगों से कर, जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं से लोकल से करवा लिया जाए. तो पहला जवाब ये होता था अगले इतवार नू गल करांगे तो पीर नू हो जाएगा ताड़ा काम. और हमारे पास होता था दो घंटे में ये काम नहीं हुआ तो ऑफ कोर्स यू नो द प्रोजेक्ट विल फॉल फ्लैट. तो वो बड़ी मजेदार बात होती थी कि इनको हु मेक्स देम अंडरस्टैंड. एंड 6 बजे वहां पे स्ट्राइक मतलब देखिए वो लोग कहां गए, मतलब ये गायब हो गए, वो जादू हो गया है बन जाती थी मतलब वो तो क्योंकि साथ जिस वक्त आपको लगता था कि इस वक्त रात के कुछ 2 बज रहे हैं जो हमारे डे शूट्स होते थे जो हम सुबह फजर के वक्त से मगरिब के वक्त तक जो होता था, तो वो जब हम आ रहे होते तो लगता था रात के कोई 2-3 बज गए और वो कुछ 7 बजे पे होते थे या 6:30 बजे होते थे और वो सब लोग गुप गायब, मतलब बिल्ली चूहा उनकी डॉगी सब सो जाते थे. मतलब वो जिसको भूख का आलम कहते हैं ना, वो मैंने किताबों से बाहर कुछ आप में देखा कि क्या होता है. एंड देन वन डे वे यू एक्चुअली फेल्ट के ओह आई एम सो प्राउड ऑफ माय टीम एंड यू नो आई वांट टू पैट माय सेल्फ कि ये दिन हमने जो है ना वी जस्ट मेड this happen wo concert tha and you felt was the third day of shoot at Nilewan. मैंने थर्ड डे तो ये भी बोले ये तो थर्ड डे शूट का है ना, बिकॉज नीलेवान में अच्छा, नीलेवान का दिस इज कुड बी मुखड़ा का शूट था क्योंकि उसके सेकंड डे में उसका एक सीन का पोर्शन शूट किया था हमजा के साथ और बाकी सारा दिन सिर्फ रिहर्सल्स कैमरा रिहर्सल्स की थी मुखड़ा की हमने थर्ड डे की बड़ी थरो प्लानिंग की थी टू गो टू दैट अगेन. वो जो छोटी सी वो जो भी जगह थी बड़ी सी जगह थी उसके तक जाने तक में अच्छा एक मैं एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि द प्रोसेस वॉज इलेबरेट टू द लेट्स से एक्सटेंट के जिस भी एक पॉइंट से पॉइंट बी पर हमने जाना होता था पॉइंट ए से पॉइंट बी उसके बीच की वो जो पूरी ट्रेल होती थी उसकी झाड़ियाँ काटी जाती थी वहाँ पे मल्टीपल कांटों वाली मतलब वो बड़े बड़े वो भी मुझे उसका नाम भूल गया तलवार जैसा सा एक औजार होता है दरांती बड़ी दरांतियाँ कुल्हाड़ियाँ और एक टीम होती थी जिसमें कारपेंटर शामिल होते थे कि जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ काटेंगे क्योंकि रास्ता बन सके. नहीं भी होते थे अक्सर जगह पे वो रास्ते बनाने से लेकर वो सारे वो उखाड़ने से और फिर मल्टीपल नो मींस इज लाइक big plants and trees, we're just talking about shrubs. So that they could be a trail bait or phir multiple insecticides and then you know dengue sprays and whatnot. Dengue spray, I remember dengue and to I'm matlab. Most proud of the fact of course phir kisi ko zarur exceptions will be there but पूरे इस प्रोजेक्ट में लाहौर के अलावा एटलीस्ट वहाँ के ऊपर में तो किसी को कभी नहीं किसी ने बोला कि मच्छर काटा हुआ डेंगू मलेरिया या कुछ ऐसे हुआ हो. तो डेंगू वाला कमांडो जो है हमारा वो याकूब इज एलर्जिक टू स्प्रेज इमेजिन. और वो याकूब तो यहाँ पे मतलब लाहौर में भी वही करता है, मतलब वही हमारा वो इंसान है कि जो आप उसको बोलो कि छत पे उल्टे लटक जाओ तो छत से उल्टा भी लटक जाता है. तो और वो या अच्छा सो वो हमने थर्ड डे का जो प्रेप किया और उसमें ये था कि उस दिन लंच हमारा लंच टाइम होता था 12 बजे के करीब. उन्होंने बोला क्योंकि सुबह 4 बजे से आए होंगे 10 बजे लंच टाइम है हमारा, फलाने टाइम पे हमारा स्नैक है और ये है और वो है. तो उसने कहा कि हैंडी फूड और हैंडी फूड के अंदर में क्योंकि अब इतने दिन हो जाते हैं शूट करते करते आप बोर हो जाते हैं, हर वक्त सैंडविचेस नहीं खा सकते. तो मैंने बोला हैंडी फूड के अंदर में व्हाई कांट वी हैव पराठे एंड देन वी केम अप विद सॉल्यूशन के दाल के पराठे लेते होंगे ताकि वेजिटेरियन लोगों के लिए एक हो जाए, नॉन वेज के लिए कीमे के पराठे. सो मैंने एंड देन दिस इज द चीता पान ऑफ माई टीम एंड स्पेशली द किचन स्टाफ द किचन द होल किचन वॉज ब्रॉट क्लोज टू द यू नो द इंटायर सेटअप.
ये वो वाकई में लोग होते थे, ये किसी जानवर से बात मनवा लेने वाली कौम थी कि कुछ भी मतलब जिसके साथ में आप जबान शेयर नहीं कर सकते ना उनसे भी बात मनवा लेते थे। इस कदर के ब्रिलियंट बार्गेन्स, इस कदर के इनोवेटिव बार्गेन्स के खुद, और मेरा सीरियसली वही वाला होता था कि यार आम भाई ये दुकान है, ये मुझे समझ में आ रही है, यहाँ पे शटर गिरा हुआ है, ये रात दोपहर के 11 बज रहे हैं, सो भी मुझे बताएं कि ये जगह पॉसिबल हो सकती है, ऐसी वाइल्ड गैस लगाएं एंड दे वुड मेक इट हैपन। सो द इंटायर किचन वाज ब्रॉट देयर। सो 11 बजे का खाना बोला, 11 बजने में 10 मिनट पे वो दो लड़के खड़े होते थे वहाँ पे, सजावल और इमरान, दोनों वहाँ पे, मैडम हम खड़े हैं, डब्बे लेके खड़े हुए। तो मुझे ये होता था कि मुझे अच्छा लगता है कि पंक्चुअलिटी मुझे बहुत पसंद है, डिसिप्लिन बहुत पसंद है, कि वो एक सर्टन से काम की क्वालिटी ऑफ कोर्स यू नो वन कैन ऑलवेज यू नो सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव टू अप्रिसिएशन कि वो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, बट डिसिप्लिन एक से लेके आखिरी पहले से लेके आखिरी बंदे ने फॉलो किया। और वो पर्टिकुलर दिन था कि उस दिन मुझे लगा कि ये ना दीज आर म्यूजिशियंस दैट आई एम वर्किंग विद एंड आई वाज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम, कि ये ना हर बंदे ने ऐसे बोला, वो चाहे अब आर्ट की टीम थी, वो चाहे प्रोडक्शन की टीम थी, वो चाहे वो पोर्टर्स थे, और छोटी मोटी आई एम सेइंग कि बीमार भी हुए लोग, उनको exactly, कुछ चोट भी लगती थी exactly, कभी exactly. हमारा डॉक्टर बीमार हो गया राइट मतलब जो डॉक्टर साहब क्योंकि वो सेकंड डे भाग गए थे, वो डर गए, तो पैरामेडिक साहब जो हैं वो खुद बीमार हो गए, वो खुद बीमार हो गए, तीन पैरामेडिक्स पैरामेडिक्स भी बदले गए इस प्रोजेक्ट के बीच में, आई वाज अगेन सीइंग टू देयर ओन, क्योंकि मुझे तो वही होता था मैंने कहा भाई क्योंकि मुझे मतलब मुझे तो पता नहीं किसी भी पौधे से किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है, द पीपल मस्ट बी लाइक बिच्छू काट गया सांप काट गया कुछ होना चाहिए, बट नाउ कमिंग टू मतलब ऑफ कोर्स प्रोडक्शन की वो किससे कहानियां तो आई एम श्योर वी कैन गो ऑन फॉर आवर्स, बट नाउ कमिंग टू द सेकंड स्पेल जहां पे हम उस घर में जो कि घर पूरा बिल्ड किया एंड आई मीन उसकी जो बिल्डिंग है वो तो ऑफ कोर्स इरम ने भी माजिद ने भी बहुत उसकी बातें की हमारे साथ लंबी, लेकिन एज अ प्रोडक्शन कुछ सिमट गई सेकंड स्पेल में, तुम्हें लगा कि कुछ हाथ में आ गया क्योंकि अब हम सिर्फ उस घर में और करीब के एरिया के अंदर ही, और वो प्लेन्स वाला एरिया था जहाँ पे दूर में एक पहाड़ी थी जिसपे हमारा कोई कंसर्न नहीं था जाने आने का। No, by the second spell, I felt like, you know, the film is done. मुझे जो याद है वो होता था ट्रैफिक कंट्रोल, बिकॉज पता नहीं वो कहाँ से एक तो वो ट्रैफिक आ जाती है, मतलब हम हालांकि एक बियाबान के अंदर बिल्कुल वो घर हमने बनाया और वो भी उसी तरह ही था, चलते फिरते हमने कहा कि ये स्पॉट अच्छा है तो इन लोगों से बात कर लो, और वो लोग मान गए, रेंट पे दे दी उन्होंने, वो एक कमरा था छोटा सा वो उनका, वहाँ पे जनरेटर पड़ा हुआ था उनके ट्यूबवेल को जो रन करता है, हाँ, उसके लिए उन्होंने एक छत से डाली हुई थी और बाकी वो हमने बनाया, वो जो साउंड का कंट्रोल करना बहुत काम था राइट एग्जैक्टली। अगेन ये तो मैंने ऐसे बोला क्योंकि मैं ये सब बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि हमने कैसा डिजाइन किया, इट वॉज ऑल अबाउट कि मेरी टीम कितनी ज़बरदस्त थी और उन्होंने सारे काम किए, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने हम समेत मेरे बहुत सारे ऐसे काम नहीं भी किए हुए थे पहले। उसमें ट्रैफिक कंट्रोल की एक मज़ेदार बात यह है कि हमने कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह साथ लेकर के गए हुए थे, वी वुड स्टैंड द सिक्योरिटी गार्ड ए एट द मेन रोड, फिर क्लोज टू द प्रोडक्शन सेटअप एंड देन क्लोज टू द सेट जहाँ पे शूट हो रहा है, एंड वन वाज लेट्स से वो पता नहीं गाड़ियों वाड़ियों जहाँ पे और दूर होती थी, चार के करीब होती, या चौथा मेरे ख्याल शायद गेस्ट हाउस पे होता था जहाँ पे आर्टिस्ट ठहरे हुए थे क्योंकि इक्विपमेंट वगैरह तो सारा सेट पे आ जाता था। तो वो बंदूक लेके खड़ा हुआ है और वो इसी तरह ही वॉकी के अंदर में आवाज़ आई और वो किसी और को मैंने बोला कोई और नहीं अवेलेबल, तो आई जस्ट रैन टू दैट गार्ड और मैंने उसको जाकर के कहा कि यहाँ पे मोटरसाइकिल चल रही है तुम क्या कर रहे हो खड़े पे, तो ऑफकोर्स उसको क्या पता कि मोटरसाइकिल चल रही, तो मैंने क्या करना है, मेरा तो कंसर्न साउंड है जो कि उसका नहीं है या नॉइज़ है और उसका नहीं है। तो मैंने बंदूक निकाली, खड़ा हो गया, खैर अब अगर कोई मोटरसाइकिल वाला आया तो तो मेरी तो कहने का तरीका इस कदर का वाकई होता था कि अब कोई आया तो गोली मार देंगे टाइप, और वो सीरियस हो ही गया, मैंने ऐसा कहा नहीं बट वो ऐसे मेरे एक्सप्रेशन से समझा कि ये इतनी बड़ी बात है कि ऐसा बुकर तो मेकिंग देम रियलाइज कि ऑफ कोर्स आई एग्जैजरेट आई ओवर रिएक्ट बट यू डोंट किसी की तरफ आप पॉइंट नहीं कर सकते
एग्जैक्टली. तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमेशा के लिए चुप नहीं कराना है, थोड़ी देर के लिए ऐसे रोक लेना है और फिर जाने देंगे और फिर आई विल कम्युनिकेट टू यू. फिर उसके साथ में वो ही रिफ्यूज टू वेयर द वॉकी टॉकी. उसने कहा कि मैं नहीं ये मशीन पहन सकता, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये पहनना. तो उसके साथ में एक बंदा बैठा होता है, फिर मैं सोचती थी तू क्या कर रहा है, मैं अपना बंदा बिठा देती हूँ, दे दे उसको बंदूक तू कहीं और चला जाए टाइप्स. मेरे लिए होता है कि बंदा कहीं और काम आ जाए. बट ऑल्सो आई रिमेंबर मुझे इस एरिया के लोग, लेकिन दे वर एक्सेप्शनली जेंटल. मैंने मतलब बहुत शहरों में, मतलब बहुत पाकिस्तान के इलाकों में शूटिंग किया, तुमने भी अपने काम के हवाले से, लेकिन आउटडोर्स मैंने बहुत जगह किए हैं. मतलब और हर जगह पे होता है कि लोग एक दिन एक्साइटेड होते हैं, दूसरे दिन उनकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, तीसरे दिन चिढ़ते हैं और चौथे दिन बाकायदा मतलब कभी कभार बदमजगी होना शुरू हो जाती है. बट ये लोग जेंटल थे बहुत, मतलब दिस एरिया हैड अ वेरी जेंटल वाइब टू इट. दे वर एक्चुअली जब सभा का हम वो गलियों में से भागने वाला कर रहे थे, वो जो एक गली थी पर्टिकुलरली, वहाँ पे मुझे पहले दिन एहसास हुआ सलाम दुआ वगैरह, क्योंकि हमारा रैकीज़ के और फिर जब सेट वगैरह लग रहा था तो थोड़ा ज़्यादा जाने का इत्तेफाक रहा वहाँ पे. सलाम ज़रूर करते हैं सब लोग. और फिर ऐसे शहर में आदत होती है ना, आप हर एक के साथ एंगेज नहीं करते, आप सड़क पर जा रहे हैं अपने काम से काम रखते हैं. तो मैं वो दो खवातीन बैठी हुई थी जिनके पास से पहले एक दफ़ा गुजरी तो गुजर गई, दूसरी दफ़ा मैं गुजरी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे आवाज़ दी, उन्होंने पता नहीं क्या कहा, उन्होंने कहा वापस आए. उन्होंने कहा आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं है. मैंने कहा क्या हुआ, कह रही हैं आप सलाम नहीं करती बड़ों को. मैंने सलाम अलैकुम क्या, कह रही हैं आपका पास से गुजरी पहले, और ये सब पंजाबी में गुफ्तगू हो रही है कि आप गुजरी तो हमने सलाम नहीं किया. तो फिर मुझे तब पता चला कि यू नो आप जानते हैं नहीं जानते हैं, बस आप जिसके भी पास से गुजरे सलाम, क्योंकि दिस दे वुड डू दिस टू मी ऑल्सो ऑल द टाइम. सो वो मुझे बड़ी मजेदार बात लगी कि इसीलिए तो ये सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, सब एक दूसरे के साथ में वाकिफ हैं. ऐसा सलाम हेलो इज सो इम्पोर्टेंट के मतलब आपको लोगों से आइस ब्रेकिंग वो. और एक चीज़ मुझे अच्छी तरह याद है जो मैंने पहली रेकी में ही देख ली थी कि ये वो इलाका भी था जहाँ पे चार गधे जिन पे बहुत सा कुछ मतलब थद्दे के थद्दे पड़े हुए और एक औरत लेकर जा रही है. लाइक आई सॉ लॉट ऑफ वुमेन एज जो घर से बाहर भी काम करेगी लेकिन अकेली अकेली, जिससे वी फेल्ट वेरी मोटिवेटेड एंड वैलिडेटेड कि जो सभा का अकेले चलना फिरना है उस इलाके में. आई सॉ लाइक खवातीन मतलब वहाँ पे अकेली बिल्कुल जाना बिछाना काम करती हैं, हर किस्म का बाहर का काम करती हैं, हर किस्म के नॉट इन अ ग्रुप ऑलवेज. वो भी होता ना कि हम ये भी सोचते हैं कि अच्छा अब औरतें काम कर रही होंगी तो ये कोई सिर्फ ग्रुप में, मतलब दैट वेज इट हैड अ सेफ वाइब. Sad and safe. Sad तो वही कि you were saying कि जो mountains हैं वो mountains एकदम आपको वो नहीं देती हैं, मतलब it's a melancholic kind of a terrain. I agree. You know the brown, red, जो dark green color का कांटों वाला वहाँ का सारा जो shrubbery और greenery है उधर का, tourist friendly भी नहीं है बहुत जगह, बहुत कम लोग आते हैं सिवाय वो वो जहाँ पे वो बोल्डर्स वाला उधर एक दफा थोड़ा सा गार्डन. और वही हुआ कि वो जो बदतमीजी थोड़ी हुई भी वो भी वो जो टूरिस्ट आए हुए थे जो किसी और शहर से आए हुए थे जिन्होंने थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश की थी सर. बट अदरवाइज पीपल आर वेरी जेंटल. खैर एज आई सेड वी कैन गो ऑन एंड ऑन. आई वांट टू फास्ट फॉरवर्ड टू ओके प्री रिलीज व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ प्रोड्यूसर बिकॉज दैट्स व्हेन इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि ये तो कुछ भी नहीं था जो हमने ख़त्म कर लिया, अब ये एक बड़ा अजदहा मुंह खोल के आ गया जिसका नाम है प्रमोशन एंड पीआर एंड दिस होल. आई स्टिल हैव नॉट रिकवर्ड. आई फील मैं तो रिकवर नहीं किया. आई ऑल्सो हैवंट रियली कम टू टर्म्स विद व्हाट हैपेंड इन द पास्ट फ्यू वीक्स क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस था. हमने टू प्रमोट अ फिल्म ऑन दिस स्केल, वी डिड जिंदगी तमाशा, लेकिन वो बिल्कुल फर्क तरीका होता था. वो बहुत ज्यादा उन लाइंस पर इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग. तो हम जा रहे हैं जगह जगह जा रहे यूनिवर्सिटीज कैफेज और जो भी हम जो कहते हैं ना फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. सो अगेन इट वाज अ क्रिएटिव टीम टुगेदर गोइंग टू दीस प्लेसेस एंड डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग व्हाटएवर नीडेड टू बी कम्युनिकेटेड एंड देन देयर वाज सम प्रेस अराउंड इट. ये वाला जो था दिस वाज अगेन मोर लाइक अ पीआर टाइप ना जिसके अंदर में देयर हैड टू बी सम फ्लफ आल्सो क्रिएटेड अराउंड इट. और ऑफ कोर्स ये मतलब फर्क सेट ऑफ स्टार्स भी थे तो मतलब वो इट वाज एन ऑक्टोपस राइट कि जिसमें एक टेंटिकल है वो सिर्फ ये कि यूट्यूब पे आप क्या कर रहे हैं राइट एक टेंटिकल है वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और फेसबुक देख रहा है. देन देयर इज अ टेंटिकल व्हिच इज अबाउट कि अब आप बीटीएस क्या जनरेट कर सकते हैं ऑफ दोज इंटरव्यूज राइट. और मजेदार बात यह है कि देखिए सोशल मीडिया के ऊपर में ना वो नहीं है यू डोंट नो हु टू गो टू
इसके अंदर में देर आर नो एक तो राइट आंसर्स ए देर इज नो लेट्स से एन एब्सोल्यूट इंटेलिजेंट फलाना इंटेलिजेंस अराउंड इट कि यू नो ये काम होने होते हैं ये इसने करने होते हैं तो ये क्योंकि सबके बीच में लाइंस ब्लर्ड हैं सो अगेन यू नो फाइंडिंग द राइट कॉन्टैक्ट जिंदगी तमाशा में ये भी हुआ था कि वी डिडंट फाइंड द राइट पीपल ऑल्सो वी ट्राइड ऑल दीज यू नो वी ट्राइड आर हैंड्स एट दीज वेरियस थिंग्स बट कुडंट स्ट्राइक यू नो द बेस्ट बैलेंस तो अगेन आइडेंटिफिकेशन वॉज वन गेटिंग दोज पीपल ऑन बोर्ड वॉज अनदर एंड देन अगेन यू नो फाइंडिंग वेज ऑन किस प्लेटफॉर्म पे क्या करना है व्हाट इज गोइंग टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड व्हाट इज नॉट एंड देयर दिस वाज अ पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर आल्सो दिस वाज नॉट लाइक फिल्म प्रोडक्शन जिसके ऊपर में आपको पता है कि क्या करना होता है एंड दिस वाज आउटसाइड ऑफ एवरीबॉडीज एटलीस्ट आवर कंफर्ट जोन्स एंड देन यू नो आवर एक्सपोजर्स एज वेल हमको भी नहीं पता अगेन वही था ट्रायल एंड एरर था तो दो चीज दो दिन में ट्राई करते थे शायद इंपेशेंट हो जाते थे लगता था नहीं रिजल्ट आया फौरन से पहले स्ट्रेटजी चेंज कर दो दैट वाज यू नो थोड़ा सा नर्व रैकिंग था अपार्ट फ्रॉम के हो क्या रहा है कि कितनी दफे बदली चाहिए व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट और हमारी फिल्म के अगेन कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं लोगों के पास में और उनको होता है कि फिल्म ऐसे प्रमोट होती है फलाएं ऐसे प्रमोट होता है विद इन अ फिल्म की किसी के पास में स्पेशलाइजेशन नहीं है कि ऐसा फिल्म है इसका ये जॉनरा है इसका ये नैरेटिव ये है हाँ सो अभी इसको कैसे किया जाए और फिर ये कि कुछ स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट्स है दे वुड से ओके यू गिव अस योर रिक्वायरमेंट्स बट देन अगेन यू नो परफेक्ट मैचेस नहीं मिले बहुत बड़ा मसला ये भी था कि नॉट एवरीवन वाज अवेलेबल ऑल द टाइम यू नो हमारे पास में जो दो हफ्ते का हमने टाइम डिफाइन किया सो हु इज अवेलेबल व्हेन एंड देन मैचिंग द राइट काइंड ऑफ सानिया इज इन फ्रांस लिब्रा इज इन लंदन सबा इज हियर सबा इज इन दुबई देन सबा इज बिजी यू एंड आई हैड टू गो टू अगेन कान आल्सो बीच में से कौन जा रहा है कैसे जा रहा है कितना आपको कन्वेंशनल मीडिया पे रिलाई करना है कितना सोशल मीडिया पे करना है और फिर उसके अलावा डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे हो सकती है विच वी इवेंचुअली रिजोर्टेड टू हमको रियलाइज ऐसे होता है कि वो इफेक्टिवनेस आप किसी और चीज़ से नहीं अचीव कर सकते बट यू नो अनयूजुअल बात ये हुई कि हमने पोस्ट रिलीज किया उसको सो अगेन आई वुड नॉट कॉल दिस अ डिज़ाइन बिकॉज दिस इज मोर लाइक आई सेड अभी रिपीटेडली के ट्रायल एंड एरर था उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं सो वो वाला था और फिर आई वुड से जो भी बातें आ रही थी उसकी वजह से कुछ जो डिलीवरीज नो एंड आई डू फील वी हैड लाइक से अ फैंटास्टिक बंच ऑफ पीपल हु वर्कड विद अस इन द प्रमोशनल फेज राइट बिगिनिंग विद फीबी एंड रासे एट पीएच राइट आई मीन व्हाट अ फैंटास्टिक बंच ऑफ पीपल एंड आई मस्ट यू नो यहां के ऊपर मैं नेम ऑल्ड स्टोरी और ऑल्ड स्टोरी वो जो थी ना एक डेडिकेटेड उनकी एक अटैचमेंट विद द प्रोजेक्ट के अच्छा जो बोल रहे हैं जैसे बोल रहे हैं हमारा ऐसा है दो दिन हमारी स्ट्रेटजी फॉलो कर लें वो कर लें एंड देन तलहा हु इज लाइक हु वाज फ्रॉम आवर एंड सच अ कोर एलिमेंट ऑफ यू नो आई मीन जस्ट सेइंग पीपल डोंट रियलाइज कि एक तस्वीर आपने डाली है लेकिन अगर आप एक फिल्म को या किसी भी चीज को रिस्पॉन्सिबली प्रमोट कर रहे हैं तो इवन दैट लिटिल कॉपी दोस थ्री लाइंस मैटर पोजीशन क्या उसको कैसे लिख रहे हैं मुझे पोजिशन तो ऑनेस्टली बहुत बाद में हिट करती है बट फॉर मी इट इज लाइक ओ दिस इज अस सेइंग समथिंग अबाउट आवर ओन थिंग यू नो लाइक इस पोस्टर के नीचे ये लिखा जाएगा यहाँ पे ये होगा एंड इवन स्मॉल थिंग्स लाइक छोटे छोटे जैसे आप किसी को टैग करना भूल गए हैं वो नाराज हो गया है यू नो लाइक इट रियली बॉयल्स डाउन टू लाइक सो मेनी निटी ग्रिटीज विच इज Interesting, but it's exhausting. I must say, it's very exhausting. अच्छा और promotion से पहले बीच में जो promotion design का एक जो phase आया था ना and promotion design से मेरा तो package designing है उसकी जिसमें ये सारी campaign बननी थी graphics communication campaign जो बननी थी वो भी अपने अंदर में एक मजेदार सा एक process था जिसको भी again हमने intervals में किया था आखिरी interval में सारी बातें सारा करके उसमें when we did the photography quite close to the wrap up of the film नहीं much later but this was let's say a year ago at least this was October last year or year before we actually but then exactly. we know I had such a fun session with Nakshab and Faik and you know like all the alt story people also were involved जो कि उन्होंने बहुत हमें मतलब उसकी design को further वही के मतलब people don't understand कि वो चीज़ आपने बना ली है लेकिन नहीं now it needs to fit into the damn square of Instagram now it needs to go on that banner orientation now it needs to go for print now for फलाना cinema उसकी ये flex की और हर दफे ना सिर्फ resolution but उसकी colors वगैरह उसकी saturation हर deliverable to deliverable फर्क होती थी और अभी मुझे पता नहीं कौन याद आया कि या वो जो भी खैर पैकेजिंग डिज़ाइन और ये क्योंकि सारा कुछ आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं तो एक जो था वो था
और पार्टनर्स अगेन यू नो मीडिया पार्टनर्स ऑल्ड स्टोरी हेल्प अस विद दैट मैसिवली साउंड कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उनके कौन पार्टनर्स हैं किसके साथ में ऑफिशियल पार्टनरशिप है किसके साथ में पैकेज में बल्क डील के अंदर में वो यू नो मिल गए हैं या जैसे प्रेस कहाँ पे इन्वॉल्व एंड वी मेट सम लवली पीपल जो जस्ट यू नो लाइक मतलब पीपल हु गिव अस द आउटडोर पब्लिसिटी जिन्होंने स्ट्रीमर्स और वो लगाए मतलब जस्ट आउट ऑफ काइंडनेस एंड सपोर्ट राइट आई मीन फॉर दैट मैटर हमने कहीं फिल्म में कोई प्रोडक्ट प्लेसमेंट कुछ भी नहीं किया हुआ मतलब आई विश कि दैट सीन वेयर सानिया इज लुकिंग फॉर समथिंग आई विश दोस पीपल हैड एटलीस्ट supported we us tried. We tried but I mean it's tough but for that I mean Coca-Cola and Dasani I mean just giving us water I was in kisi ko bhi numanja ki show pe bata raha tha ki matlab film ki production ke andar aap matlab 1.5-2 million ka pani aur beverage ka kharcha ban jata hai na 40 day shoot to matlab just that kind of support and for what matlab acha ji aapne scroll mein unka thank you kar dena because other than that we did not give them any kind of you know agar main production ki nitty-gritties batau to dekhen itne worth paison ka to pani hai na sirf fir uski transportation hai aur fir uski in time delivery hai jiske liye abhi hum uska pura package count kare to it's much more than that it's much more than that kahin zyada hai so yeah I mean I feel well niyat jab hoti hai kisi kaam ki saaf aur sab ki then these things kind of start pouring into the stream and the stream flows and it flows smoothly but in any case how did you feel when you watched it on the vadda parda like ha mujhe lagta hai maine wo jo apna maza jo aata hai dekhne ka ya jo bhi mera jo ek wo maine tech check pe Allah ka shukr hai ki maine kar liya tha क्योंकि जो पहली प्रीमियर थी कराची में वो प्रीमियर तो मुझे ना आए बताओ मुझे तो अपने वो कोट और पसीने ही नहीं भूलते बिकॉज़ आई रिमेम्बर जो मेरे साथ फोटो खिंचवाने आ रहा था वो सबसे कहते थे टिश्यू देना वो सरमत का और मेरे ख्याल मेरी ज्यादा तस्वीरें जिसमें है मतलब देयर वाज अ पॉइंट आसिम रजा वहां पे खड़े और आसिम मेरा प्लेयर का प्लीज ये तस्वीर खींच ले कि आसिम रजा मेरा पसीना साफ कर रहे हैं बिकॉज आई वाज मेल्टिंग एंड आई थिंक नॉट जस्ट फिजिकली my soul was melting and leaving my body yeah it was very nerve what's the word I don't want to use I mean it destroyed some of my nerves I must say irreversibly ha mujhe bhi aisa lagta hai ki kuch ajeeb se scars hain which will take their time to heal or not ha nahi I wish they heal because this was again wo bola ek to wo jo excitement which was jumping out let's say frenzy kahan pe ja rahi hai ja karke ki ye as a producer production designer this is my first film that's coming out and it is the red carpet I think next time to I think we should not do premieres exactly bilkul bhi nahi pata nahi kya hai wo mujhe kisi ne samjhaya tha ek dafa wo very seasoned senior person not from here who has been in the film business and she said ke पूरी दुनिया में उन्होंने बदल दिया है प्रीमियर्स ऐसे सच नहीं होते व्हाट दे डू इज कि अगर किसी ने आपकी फिल्म के बारे में कुछ बोलना है कोई राय देनी है सो दे मेक श्योर कि भी डिजिटल जमाना है तो मैं ख्याल है नेक्स्ट हम खूबसूरत फिल्म में एक छोटा सा प्रोजेक्शन रूम जहाँ पे हम लोगों को एक शेड्यूल देते हैं कि आप आके देख लें क्योंकि वही बात है कि मजा असल में फिर वही है कि आप सब लोगों के साथ एक ऑडियंस के साथ देखें अपने जैसे हमारे दोस्त वोस्त या सब आ जाते हैं मजा तो आता है लेकिन बाकी आपको मजा नहीं आ सकता आप तो स्ट्रेस में होते हैं सो आई फील के प्रीमियर की भी वो जो एक स्टैंडर्ड मेन्यू में है ना कि प्रीमियर करना है प्रीमियर को भी रीडिजाइन करना चाहिए वी शुड नॉट फॉलो द सेट मेन्यू जिसमें थिएटर के साथ में तो खैर बहुत सारे हिस्से दुख हैं जो भी चल रहे हैं हो जाएंगे कभी ठीक इंशाल्लाह नहीं मेरी जिंदगी में किसी और के हो जाएंगे लेकिन वैसे मुझे लगता है कि अब क्योंकि सिनेमा एक तो कोविड के बाद में थोड़ा सा वापस आ रहा है मुझे याद आया कि मैंने सिनेमा जो था कोविड से पहले जब जाती थी ना तो मैंने एक्चुअली अपने लिए रिजॉल्व कर लिया था कि सिनेमा में बैठ के फिल्म देखनी चाहिए कि अन अगेन ये पर्सनल बात बता रही हूँ ऑफ कोर्स यू नो फिल्म इज वन थिंग एंड सिनेमा इज अनदर ऑफ कोर्स एंड फिल्म्स आर मेंट फॉर सिनेमा क्लासिकली एंड आइडियली फिर उसके बाद में ऑफ कोर्स बाकी के सारे फर्क जगह होते हैं लेकिन वही के फिल्म मेकर्स के ऊपर 100 तनकीदें 100 तजावीज़ के ऐसे बनाओ वैसे बनाओ ये करो वो नहीं करो लेकिन कोई नहीं कहता है कोई नहीं किसी को बताता कि फिल्म देखने का तरीका भी होता है तो अगर मैं इनपोलाइटली कहूँ तो मैं कहूँ फिल्म देखने की तमीज़ भी होती है जो कि कई दफ़ा मुझे लगता है कि हम सब पता नहीं क्यों फोन जेब से निकल ही आता है फुल ब्राइटनेस पे आपने खोल ही लेना है और आप लेट आए हैं और आप फ्लैश दूसरों के मुंह पे मार रहे हैं और कचर कचर बीच में खा रहे हैं मतलब जो कराची प्रीमियर का भी मेरा जो रिग्रेट है एफ आई में जस्ट से इट हियर बगैर किसी और चीज़ के लोड किए हुए तो मेरी जब लड़ाई हुई बाकायदा तौर के ऊपर में और वो 3 दफ़े लड़ाई हुई
और वो मैंने वही सोचा कि शुक्र है कि मैंने फिल्म देखने का जो एक्सपीरियंस है ना आज के दिन के लिए नहीं छोड़ा हुआ था, मैंने वो टेक पिक देख ली थी फिल्म एक दफ़े, क्योंकि आधे वक्त में बैठ करके मतलब मुझे अपने मसले पड़े हुए थे, आधी फिल्म मैं देख नहीं सकी, बाकी जितनी देखी वो अपने दुखों में टाइप्स की, वो मेरी उससे जब लड़ाई हुई और जब यही सारी बात हुई कि हमें ना बताएं कि द ओनर्स ऑफ द सिनेमा, उसने कहा मुझे मत सिखाओ काम, ये जो है मेरा ये है और स्क्रीन इतनी ऊंची उतनी ऊंची और ये पॉपकॉर्नों के ऊपर में हमारा कारोबार चलता है, जिसके ऊपर मैंने बोला कि सिनेमा जो है वो पॉपकॉर्न बेचने से ज़्यादा की जगह होती है, तो ऐसा बात बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने शायद वापस रिड्यूस कर दिया हुआ है टू एज अ यू नो फिल्म या सिनेमाज जो है ना वो कंसेशन कॉर्नर्स ही सिर्फ बन गए हुए हैं, उनको लगता है यही उनका मेन जॉब है या मेन बिजनेस सेंटर है उनका, फिल्म इंसिडेंटली वहाँ पर चल रही हैं शायद, वो टीवी टाइप कुछ हो गया है कि That is why I mean, they don't care कि कभी टीवी का ड्रामा चल जाता है, कभी I don't know मैच चल रहे होते हैं सिनेमास के अंदर, so yeah you're right कि but maybe I'm just saying it's a sign of a weird kind of evolution oblique devolution of that culture, but yeah I feel we all need to review how we अच्छा एक रेगुलर शो पे फिर भी होता है कि चलो यार इस वक्त कोई प्रेमर के ऊपर में, which was a board show, which was a private show, technically speaking, उसके ऊपर में नहीं ऐसे हो सकता था, और वही कि फिर वही अगेन तमीज़ है वो 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 जो भी है एक कल्चर और एक डिसिप्लिन का नाम है. खैर, that's a long debate maybe, but in any case, चलो भाई, here's to first of all, congratulations, you made it happen. हो गया, मतलब अल्लाह की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, लोगों की पॉजिटिव एनर्जी, जो टीम थी पूरी, एवरीवन इन्वॉल्वड, एंड यू टू, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फिल्म कमली, एंड होपफुली वी कैन मेक मोर फिल्म्स टुगेदर, सम मनी शुड कम बैक, बिकॉज़ इफ इट डजंट देन आई एम हियरिंग इट इज, इट इज, बट आई डोंट नो बिकॉज़ यू नो अभी वो डिवाइड होगा चंक, तो सिनेमा वाले रखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होगा, फिर हमारे पास पैसे आएंगे, बट इस फिल्म के साथ एक और जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो जो करोड़ों अरबों रुपए की जो इज्जत और प्यार जो मिल रहा है ना, एंड आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट, बिकॉज वो रोज जो मुझे ईमेल आती है बिजनेस की, मैंने वो देखनी भी छोड़ दी, हमने चलो ठीक है जो आ रहा है अच्छी बात है, अभी तो नहीं आ रहा, एंड में हिसाब किताब होगा तो तब देखेंगे, तो मैंने उसकी तरफ आंखें बंद कर ली हैं, वो जो लेकिन मेरी डीएम में किसी ने फिल्म देखने के बाद मतलब इतने इतने तीन दफ़ा स्क्रीन स्क्रॉल करनी पड़ती है, एंड इट्स अ मैसेज सेइंग आई वॉच द फिल्म एंड आई मेड अ कनेक्शन विद इट, एंड देयर इन्यूमरेबल मैसेजेस, मतलब मुझे इससे पहले इंस्टा विंस्टा आई वाज नॉट ऑन इट, मैंने तो छोड़ दिया हुआ था, मगर नाउ आई मेक श्योर आई रीपोस्ट और शेयर एवरी स्टोरी, एनी रिमार्क आई रिप्लाई टू, बिकॉज आई एम लाइक दिस इज व्हाई यू डू दिस, दिस इज लाइक वो एक डायरेक्ट, अब आप अपने काम को किसी को आपने ऑफर किया और वो आपको बता रहा है कि मुझे महसूस क्या हुआ, और एक उसमें से अगर मैं वही नहीं कि जो हाईलाइट कर दूं जो सब कहानियों में या सब रिस्पॉन्सेज में हुआ, जैसे हाउ द फिल्म डजंट लीव देम, कि रह जाती है, फंस जाती है, यू नो, सो आई एम ग्लैड, थैंक यू, हाई फाइव.